नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में जिसका नाम है स्पिरिचुअल साइंस, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी की ही बात करेंगे। आज के पॉडकास्ट का जो हमारा विषय है वो है कि क्या परमात्मा को हम घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं या हमें उसके लिए कहीं दूर जंगलों में जाने की ज़रूरत है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अक्सर हमारे जो भी हम कहानियाँ सुनते हैं या जो भी हमने टीवी पे देखा है, जो भी हमारी नॉलेज है अब तक की, उसके मुताबिक जो भी ऋषिगण थे, जो भी थे, वो जंगलों में जाते थे, तपस्या करते थे और फिर उनको परमात्मा की प्राप्ति होती थी, या यूँ कहिए कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती थी। उनके मुताबिक कि घर में बैठ के हम वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे रास्ते में कई ऑब्लिगेशंस आएंगी, कई मुसीबतें आएंगी। सबसे बड़ी मुसीबत जो लोगों को लगती है वो है कि हमारा परिवार हमें भक्ति नहीं करने देता, हमारा परिवार हमें अपने उस परमात्मा से मिलने नहीं देता, हमारे पास समय नहीं बचता है क्योंकि हमारे पास जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा हैं। अक्सर लोगों का ये एक्सक्यूज़ होता है कि अगर उनसे पूछो कि क्या आप यहाँ पर सिर्फ खाने पीने के लिए आए हैं और केवल बच्चे पैदा करने के लिए आए हैं और आपका यहाँ पर कोई और दूसरा मोटिव नहीं है, तो वो कहते हैं कि यार हम परमात्मा को मिलना तो चाहते हैं पर जो हमारे पास तो यार अभी जिम्मेदारियां बहुत हैं। जब सभी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाएंगे ना तब हम करेंगे, यानी कि जब बुढ़ापा आएगा तब हम करेंगे। पर बुढ़ापे में ना तो आपके पास वो एनर्जी बचती है और ना ही आपके पास वो जोश बचता है। तब तो सिर्फ बंदा ये सोचता है कि यार ये जन्म तो फिर बर्बाद हो गया है, अब अगले जन्म में देखेंगे। तब ना तो हम इधर के रहते हैं ना हम उधर के, सारा दिन हम अपने बीवी बच्चों पोता पोती और घर की जिम्मेवारियों में, घर की प्रॉब्लम्स में उलझे रहते हैं और हमारा उनके पास मिलने का हमारे पास टाइम नहीं होता। पर यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आप परमात्मा को मिल सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ गृहस्थ जीवन में ही मिल सकते हैं, यानी कि परमात्मा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो अपने घर की जिम्मेवारियाँ भी पूरी करते हैं और साथ के साथ उस परमात्मा को भी प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहते हैं। अब जंगलों की अगर मैं बात करूं तो आप एक छोटे से मैं उदाहरण देता हूं। आप एक मोमबत्ती को लीजिए, उसको एक कमरे के बंद कर दीजिए जाकर और वहां पर जाकर उसे जलाइए, तो वो मोमबत्ती हमेशा जलती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ जब उस मोमबत्ती को आप बाहर खुली हवा में लेकर आएंगे तब क्या होगा, वो हवा के थपेड़ों की वजह से वो मोमबत्ती है वो बुझ जाएगी। अब यहाँ पर बात होती है कि अगर हम उस मोमबत्ती के ऊपर कोई ऐसी चीज़ रख दें जिससे थोड़ी सी उसके अंदर हम छेद कर दें ताकि हवा भी उसके अंदर क्रॉस होती रहे और उसके अंदर वो मोमबत्ती भी जलती रहे, तब उसको आप कहीं भी ले जाइए वो मोमबत्ती आपकी हमेशा जलती रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि आपको उस मोमबत्ती की जैसे बनना है जो कमरे में हमेशा बंद बनी रहती है, या उस मोमबत्ती की तरह बनना है जिसको ऊपर कुछ कवर किया हुआ है और आसपास उसके छेद हैं। ताकि कहने का मतलब है कि आपको ऐसी जगह जाकर बैठने जहां पर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई जिम्मेवारी नहीं है, आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आप वहां पर जाके बैठ के अपना मंत्र कीजिए, पाठ पूजा कीजिए, जो मर्जी कीजिए, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। पर जैसे ही आप उस संसार से अपनी पाठ पूजा करके जैसे ही आप इस संसार में आएंगे तब यहाँ पर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको झेल नहीं पाएंगे और फिर से आपके अंदर वही काम, क्रोध, गुस्सा, जो भी आपके पास वो समस्याएं हैं वो दोबारा से आपके पास लौट के आ जाएंगी और आप बोलें कि यार मैं तो इतनी तपस्या करके आया हूँ फिर मेरे अंदर काम, क्रोध, गुस्सा कैसे आ गया। एक्चुअली में वो आपके तलहटी में जमा हुआ था, यानी कि आप उसको जमा करते जा रहे थे, आपके पास कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं थी जिसके की वजह से आपके अंदर उसको सॉल्व करने के लिए कोई जिज्ञासा हो या कोई उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके एबिलिटी आ गई हो। पर वहीं अगर आप दूसरी तरफ ग्रस्त जीवन में रहते हैं तब की जो प्रॉब्लम्स हैं जो आपके पास आ रही हैं उन लाइफ्स की प्रॉब्लम से आप बहुत कुछ सीखते हैं। स्पिरिचुअलिटी जो है वो कोई एक दिन का काम नहीं है, स्पिरिचुअलिटी है वो हर घड़ी हर पल आपके साथ एक टेस्ट होता है।
भगवान कोई भी अच्छी चीज़ देने से पहले आपका एक टेस्ट लेता है कि यार ये बंदा उस लायक भी है, क्या ये बंदा उस चीज़ को संभाल पाएगा। उसके लिए वह पहले छोटे छोटे आपसे टेस्ट लेता है। सपोज़ कीजिए आप पाठ पूजा करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, आप बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं, संसार की नज़रों में आप बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं, पर दूसरी तरफ आपके बच्चे आपको थोड़ा सा तंग परेशान करते हैं, या किसी दिन आपके बच्चों ने आपको डिस्टर्बेंस कर दिया आपकी पाठ पूजा में या आपके ध्यान में, तो आप उनके ऊपर क्रोधित हो गए। तब यहाँ पर आपकी पाठ पूजा की हुई बिल्कुल बेकार हो गई। मज़ा तो तब है कि आपके बच्चे भी आपके साथ में हो, आपका संसार भी आपके साथ हो, वो आपको डिस्टर्ब भी करें, पर आपके अंदर का जो एकांत है वो हमेशा बना हुआ रहे। तब ऐसे मौक़ों के ऊपर परमात्मा आपके अंदर आके बैठेगा। क्यों? क्योंकि आपने वो सभी ऑब्लिगेशंस, वो सभी प्रॉब्लम्स, वो सभी परेशानियों को सॉल्व किया है हंसते हुए। तब भगवान कहेगा कि अब ये लायक हो चुका है, अब मैं इसे आके मिलना चाहूँगा। वहीं दूसरी तरफ जो जंगल में बैठे हैं उनको लाखों साल, हज़ारों साल लग जाते हैं। एक्चुअली में जो गृहस्थ का जीवन है वो ऐसा क्वेश्चन पेपर है जो है तो मुश्किल पर है बहुत छोटा। वहीं जो जंगल का जो क्वेश्चन पेपर है, जंगल में जाकर आप बैठते हैं, वो क्वेश्चन पेपर है बड़ा सिंपल पर वो है बड़ा लेंथी, यानी कि वो थ्रेटिकल, उसमें बातें बहुत लिखी हुई हैं। उसके लिए आपको कितने ही जन्म लगेंगे, कितने ही साल लगेंगे वहाँ पर प्रैक्टिस करने में, तब कहीं जाकर आपको परमात्मा मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप घर पे रहते हैं तो घर पे रहकर आप उन सभी परेशानियों से निपट सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। जब ऐसा होगा तब आप यकीनन परमात्मा आपसे ज़रूर मिलेगा। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।